Hello students, how are you? I hope through these modules you are able to gain the knowledge about history. In the previous module, we have learned about subsidiary alliance and doctrine of lapse. Today, in this module, we will know about discontent among the Indian. So, let's start the video. ब्रिटिश के आगमन से भारत में कई पॉजिटिव चेंजेस भी आए। ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रेडिंग पर्पस के कारण भारत में कुछ अच्छे बदलाव भी किए, जैसे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्होंने ट्रेन रेलवे सिस्टम स्टार्ट किया। मैसेज सेंड या रिसीव करने के लिए उन्होंने पोस्टल सिस्टम और स्टैम्प इंट्रोड्यूस किया। ग्रैंड ट्रंक रोड का भी रिकंस्ट्रक्शन किया। लेकिन इन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बाद भी उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार किए, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ा। दरअसल बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद उन्हें ये समझ में आ गया था कि भारत पर राज करने के लिए उन्हें कूटनीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस जैसी पॉलिसीज इंडियंस पर थोपी, जिसके कारण भारतीयों में भी रोष बढ़ता जा रहा था। सत्ता में विस्तार करने तथा अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर शोषण किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें मजबूर किया कि वह ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें। किसानों को तब भी टैक्स पे करना होता था जब उनके क्रॉप्स नेचुरल डिजास्टर्स या किसी अन्य कारण से बर्बाद हो जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों पर यह भी दबाव डाला कि वे कॉटन और इंडिको की ही खेती करें। ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बुनकर और कारीगरों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे ये लोग बेरोजगार हो गए। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण वहाँ के फैक्ट्रीज में कॉटन की डिमांड इंक्रीज हो गई। उनके फैक्ट्रीज में रॉ कॉटन भारत से ही जाता था। इंग्लैंड के फैक्ट्रीज की मशीन की स्पीड अच्छी होने के कारण वहाँ फैब्रिक्स जल्दी तैयार होने लगे। फॉरेन मार्केट्स में भी ये मिल क्लोथ चीप प्राइस में सेल किए जाते, जिसके कारण इंडिया के लाखों वीवर्स अनएम्प्लॉयड हो गए। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पर यह भी जोर डाला कि वे इंडिया में कोई भी मिल या फैक्ट्री नहीं खोलेंगे और इंडियंस को फॉरेन गुड्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। धीरे धीरे भारतीयों में अंग्रेज़ों के इन अनफेयर पॉलिसीज़ के कारण गुस्सा बढ़ता गया। इंडियन सोल्जर्स भी ब्रिटिश के रवैये से अछूते नहीं थे, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता था। इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ कंपेयर किया जाता था। इंडियन सोल्जर्स के मुकाबले ब्रिटिश सोल्जर्स के वेपन्स ज़्यादा अच्छे होते थे। इंडियन सोल्जर्स के बीच में भी लोगों को लेकर मतभेद किया जाता था। इन सब स्थितियों से परेशान होकर भारतीयों ने सोच लिया कि अब समय आ गया है कि अंग्रेज़ी हुकूमत को ख़त्म कर दें, जिसके कारण इंडिया में रिवोल्ट स्टार्ट हुए, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स सम अप। द फार्मर्स वेर इल ट्रीटेड एंड हैड टू पे हैवी टैक्सेस। ब्रिटिश रिकंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड ट्रंक रोड। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे सिस्टम टू मेक कम्युनिकेशन फास्टर। इंडियन वेर फोर्स टू ग्रो इंडिगो एंड कॉटन। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। Who introduced railway in India? Answer is, Britishers introduced railway in India. Next question. Name the famous road that was reconstructed by the British. The correct answer is, the Grand Trunk Road was reconstructed by the British. Hope aaj ka content aapko samajh mein aaya hoga. Milte hain next video mein. Thank you.